आमिर खान यूं ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं कहे जाते। हाल ही में आमिर खान ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने 3 साल पहले ही बॉलीवुड छोड़ने का मन बना लिया था। सुपरस्टार ने रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट चैप्टर 2 में कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए। इसी दौरान बातचीत में उन्होंने अपने परिवार, बच्चों और फिल्म छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बात की और बताया कि 3 साल पहले उन्होंने बॉलीवुड में काम बंद करने का फैसला लिया था। उन्होंने बताया कि कोविड-19 और लॉकडाउन के दौरान उन्हें अपनी जिंदगी को जानने और विचार करने का काफी समय मिला। इसी दौरान उन्हें इस बात का भी एहसास हुआ कि कैसे वो 3 दशक से लगभग अपने काम में ही मशगूल रह गए और अपने परिवार और बच्चों के साथ टाइम बिताना मिस कर दिया। अपनी इस गलती को लेकर उन्हें खुद पर गुस्सा भी आया। आमिर खान ने इसके बारे में बात करते हुए कहा, और जो लोग मेरे सबसे करीबी हैं, जो मेरा परिवार है, मैं उन्हें 30 सालों में कभी समय नहीं दे पाया। 30 साल, 3 हफ्ते, 3 महीने या 3 साल नहीं, 30 साल। मेरी अम्मी बूढ़ी हो गई है, मुझे नहीं पता कि मेरा उनके साथ कितना समय बचा है। वैसे भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन जब बात हमारी जिंदगी की आती है तो मुझे एहसास होता है कि मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत कम समय बिता रहा हूँ। आमिर खान ने आगे बताया कि अपने परिवार को नजरअंदाज करने की गिल्ट से वो इतने भर गए थे कि उन्हें पूरी तरह से फिल्में छोड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने अपनी कंपनी बेचने की भी कोशिश की, लेकिन खरीदार नहीं मिला। लेकिन उनके बेटे जुनेद ये नहीं चाहते थे। आमिर कहते हैं, वो मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय मैंने एक फैसला लिया, मतलब मैंने खुद से ही कहा कि जो चीज मुझे मेरे परिवार से दूर रखती है, मैं उसे ही छोड़ दूंगा। मैंने फैसला किया कि अपनी जिंदगी में अब कोई फिल्म नहीं करूंगा, मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, निर्देशन तो बिल्कुल नहीं, मैं फिल्म से दूर रहना चाहता था। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।